राम राम। ये वीडियो भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो को देखते ही शेयर करें भाई। भाई बिना ऑक्सीजन के आपकी जान बचा सकते हैं हम। आज आओ आप सबको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं, डॉक्टर रोहतास हरसाना जी। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के आप घर बैठे अपनी जान बचा सकते हो, अपने और अपने परिवार की। इस वीडियो को देखते ही शेयर करें, बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो भाई। डॉक्टर साहब बताइए जी। नमस्कार जी सभी को, जितने भी लाइव देख रहे हैं या और लाइव आने वाले हैं। ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार हमारी कंट्री में मचा हुआ है, लोग डेथ हो रही है, पैनिक हो रही है, घबराहट से भी मर जाते हैं, मुझे कोविड हो गया है तो मेरी जान जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है ना बेड जी। तो इस चीज़ का समाधान हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, बिना हॉस्पिटल के भी ये ट्रीटमेंट हो जाता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इस ट्रीटमेंट को हम जब भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए तब ही पैनिक होता है इंसान। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए और कोविड है उसे पॉजिटिव है तो वो पैनिक नहीं होता, उसे कोई घबराहट नहीं होती है। जब रिपोर्ट आती है तब घबराहट स्टार्ट होती है कि अब मेरा क्या हाल होगा, ऑक्सीजन और बेड तो है नहीं हॉस्पिटल के अंदर, अब मैं मरूंगा, उस घबराहट से ही लोग चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत आसान सोल्यूशन है कि पेशेंट को अगर जो हल्की सी शिकायत होती है कोविड की, तो घर में बैठा है तो ऐसे झुक के बैठ जाए आगे की तरफ, सिर्फ इतना ही झुके, बहुत ज़्यादा झुकने की उसे जरूरत नहीं है। इतने झुकने पे फेफड़े को ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। फेफड़े को हमारे को 78% नाइट्रोजन चाहिए होती है और 22% ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि हमारे वातावरण में मौजूद रहती है। अब ऐसे झुकने पे क्या होता, किसी को पूरी सांस नहीं आ पाती फिर भी घुटन रहती है, तो वो ऐसे हिला सकता है, कोई ये हैंड का फैन होता है वो ऐसे हिला दे, किसी कॉपी से रजिस्टर से किताब से हिला देगा तो उसे हवा पूरी मिलेगी और ऑक्सीजन लेवल फेफड़े का बढ़ जाएगा, उसमें सुविधा रहेगी। ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं आप सबकी जान बचाने के लिए डॉक्टर साहब। कुछ लोग ऑफिसों में बैठे होते हैं, अभी तो बता रहे कि तो घर बैठ के घर का ऑप्शन है, तो ऑफिसों में भी टेबल होती है, टेबल पे बैठा जा सकता है, टेबल पे लगभग सब लोग होते ही है, टेबल पे ऑफिस में लगभग एक पोजिशन होती है, तो आगे ऐसे आगे झुक के बैठ सकते हैं। ये ऑफिस के टेबल का है, अगर कोई ऑफिस में है तो जी जी ऑफिस में आराम से ऐसे आगे झुक जाए और ऐसे हवा कर ले, बस हवा की कमी होती है बॉडी में, हवा पूरी हो जाए तो पूरा सांस आना चालू हो जाता है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत कतई नहीं रहती। सीरियस पेशेंट है तो आधे घंटे में 2% ऑक्सीजन बढ़ेगी, और जो नॉर्मल पेशेंट है हल्की घुटन में सांस बहुत ज्यादा नहीं घुट रहा, उसका ऑक्सीजन लेवल 88 से नीचे नहीं गया है जी, तो 15 मिनट में ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। ये हवा करनी जरूरी है, ऐसे बैठने के बाद ऐसे हवा कर दे, कोई दूसरा कर दे या सामने कोई फैन चला दे, टेबल फैन होता है टेबल फैन चला दिया जाए तो उससे ऑक्सीजन लेवल पूरा जल्दी हो जाएगा। और तीसरा सीरियस पेशेंट है, फिर भी कोई बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है तो उसका गंभीर हो गया है तो उसको प्रोन वेंटिलेशन सारी प्रक्रिया को बोलते हैं, उसको ऐसे लिटाया जाएगा बेड पे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये वीडियो आप सबकी जान बचाने में बहुत ही ज्यादा वो काम करेगी भाई। एक तकिया हम छाती के ये गर्दन पे लगाएंगे, ये इस तरह से आप गर्दन ऐसे उठाएंगे जी, ये छाती से ऊपर होना चाहिए तकिया, छाती दब जाएगी तो फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी। और दूसरा हम तकिया लगाएंगे यहाँ बेल्ट एरिया में, नाभि से नीचे भाई, नाभि से नीचे लगाना है। और तीसरा तकिया हम यहाँ लगाएंगे पैरों के नीचे, ऐसे तीन तकिया लगा देंगे हम, और ऐसे लेटे रहेगा पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में, 15 मिनट में ही ऑक्सीजन बढ़नी चालू हो जाएगी, सांस आना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीरियस पोजीशन में तो हर आधे घंटे में 2% ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जो ऑक्सीमीटर बताता रहेगा, ऑक्सीमीटर लगाया जाता है फिंगर में, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर रखना होता है, तो इससे ऑक्सीजन की सभी जरूरतें पूरी हो जाती है, पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। बुखार होता है तो ठंडी पट्टी लगा दी जाती है, एक माथे पे लगा दी जाती है, दो यहाँ पिंडलियों पे लगा दी जाती है, ऐसे उससे बुखार का लेवल भी डाउन हो जाता है। तो विदाउट मेडिसिन
घरेलू होम डाइट से ये ट्रीटमेंट संभव है। सिर्फ घर का खाना पीने, कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस ऐसा दे दिया जाए तो उसी से उनको राहत मिल जाती है। 5-6 दिनों में कोविड पेशेंट ठीक हो जाता है, हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। इसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं। इस पोजीशन में 12 घंटे पेशेंट को कम से कम लिटाया जाएगा। 12 घंटे में उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक सुधार में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आता है तो फिर उसे अगले और 8-10 घंटे और 12 घंटे यानी 2-3 दिन इसी तरह इसी पोजिशन में रखे, और हर घंटे बाद उसे करवट में रिलैक्स करवा दे, क्योंकि वो थक जाएगा, 12 घंटे सीधा नहीं लेटा जाएगा। ऐसे करवट ले ले, एक बार लेफ्ट साइड ले ले, एक बार राइट साइड ले ले, हाँ, या फिर थोड़ी देर वो रेस्ट बैठ ले या खड़ा हो ले पेशेंट, तो खाना होता है उसे, कुछ जूस पीना होता है तो वो बैठ कर खा पी सकता है, और दोबारा फिर ऐसे इसी पोजिशन में फिर लेटना है, और फिर भी ऑक्सीजन लेवल उसका पूरा नहीं होता है तो फिर ये देखा जाता है कि रूम के अंदर हवा कहाँ से आ रही है। जिस रूम में पेशेंट है उसमें बाहर की हवा का आना जरूरी है, उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ पाता फिर भी, तो बाहर की हवा का आना जरूरी है। उसके लिए हम दरवाजा खोलेंगे ताकि पेशेंट के फेस पे हवा आ सके, और पंखा चला दिया जाएगा, पंखा चला दिया जाएगा, सीधे पेशेंट के फेस पे हवा आएगी और पेशेंट को काफी राहत मिलेगी। पेशेंट को पोजीशन में लेटा रहेगा, ऑक्सीजन की बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं, सिर्फ 5% जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, वरना घर पे ही ठीक हो जाते हैं। कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, इतनी सिंपल चीजें, फल सब्जी आदि, इन्हीं से इलाज हो जाता है, इन्हीं से ये ठीक हो जाते हैं। है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है। भाई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वीडियो बहुत लोगों की जान बचा सकती है। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बहुत लोगों की जान बची है। ये डॉक्टर साहब का नंबर है, आप अच्छी तरह देख लीजिए, डॉक्टर रोहतास हरसाना जी। भाई विश्वास मानिए, आपकी ज्यादा से ज्यादा जान बचेगी इस नंबर पे। आप व्हाट्सएप पे, सिर्फ ऑनली व्हाट्सएप करें, क्योंकि भाई कॉल बहुत लोगों की आती है। मैं हाथ जोड़ के बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका वीडियो शेयर करना हजारों लोगों की जान बचा सकता है भाई, और बहुत लोगों की हमने अपने यहाँ पर गांव में जान बचाई भी है। इसलिए यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि इस समय हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं और फिर भी उनकी जान नहीं बच पा रही। भाई लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। विश्वास मानिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और आप घर में करके देख लीजिए, अपने माँ को, अपने बाप के साथ इस चीज को ट्रीटमेंट करके देखो। अगर बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो बोल देना मेरे भाई। बहुत रेयर केसेस, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत 5% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि सुधार नहीं आ पाता, वरना 95% चांसेस है कि आदमी बिल्कुल ठीक होना ही होना है। अब आप सबके हाथ में, आप कितना चाहते हो कि हमारे हिंदुस्तान की जनता बचे, हमारे भाई बहन, हमारे यार दोस्त, हमारे चाहने वाले सब ठीक ठाक रहे। इस वीडियो को इसलिए शेयर करना क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना लोगों की जान बचाएगा मेरे भाई, और जान बचाने से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती जीवन में। अगर आपके इस वीडियो शेयर करने से किसी की जान बचती है तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मारामारी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, उससे राहत मिल जाएगी। सिर्फ एक छोटा सा शेयर करना है वीडियो का, उससे लोगों को सांस मिलेगी, राहत मिलेगी, जीवन दान मिलेगा। ये शेयर तो बनता ही है किसी की जान बचाने। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, 95% लोग इससे ठीक होते ही होते हैं। इस ट्रीटमेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों तक, और बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप सबके द्वारा लोगों की जान बचेगी मेरे भाई। इस चीज में, अच्छी चीज में अपना योगदान जरूर करें मेरे भाई। गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आप सबको हंसी खुशी बनाए रखे। राम राम जी, धन्यवाद।